प्रतिवर्षानुसार निरंतर सातवें वर्ष में राजगढ़ सरदारपुर सद्भावना मंच द्वारा माही झिरनेश्वर शिव कावड़ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर आज शनिवार को राजगढ़ के मनसा महादेव शंकर मंदिर मालीपुरा में भगवान शंकर का विधिवत पूजन अर्चन कर उक्त कावड़ यात्रा प्रारंभ की गई, जो सरदारपुर होते हुए झिरनेश्वर धाम के लिए रवाना हुई, जिसमें सरदारपुर के लोकप्रिय विधायक प्रताप ग्रेवाल सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुषों के साथ शिव भक्त बच्चे शामिल हुए। भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव के जय घोषों के साथ हाथों में भगवा पताका उठाकर श्रद्धालु कावड़ यात्रा में चल रहे थे। उक्त कावड़ यात्रा में भगवान झिरनेश्वर महादेव की झांकी के साथ ही भोलेनाथ अघोरी ग्रुप द्वारा चलित वाहन पर शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कावड़ यात्रा राजगढ़ के विभिन्न मोहल्लों चौराहों से होते हुए सरदारपुर चौपाटी पंचमुखी चौराहा बस स्टैंड होकर माही नदी पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद विधायक प्रताप ग्रेवाल सहित सद्भावना मंच के सदस्यों द्वारा माही की महाआरती कर महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। इस दौरान बांडीखाली धाम के कैलाश गिरी जी महाराज, झिरनेश्वर धाम के भारतदास महाराज जी के सानिध्य में सद्भावना मंच द्वारा शिव भक्तों को अभिमंत्रित 11,000 रुद्राक्ष भी वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न कावड़ यात्रा आयोजकों प्रमुखों का स्वागत सम्मान भी किया गया। कावड़ यात्रा का राजगढ़ एवं सरदारपुर में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक मंचों के साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया था। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। कावड़ यात्रा के झिरनेश्वर धाम पहुंचने पर महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.